गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए अभी सुबह बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू है, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। अभी 8:30 का टाइम हो रहा है और मैं किचन में जा रही हूँ। अभी मैंने शावर नहीं लिया है, पहली बार बिना शावर के आपके सामने सामने आ रही हूँ, तो मुझे कुछ अनकम्फर्ट सा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अब आपसे तो बहुत अच्छा रिश्ता हो गया है। ये देखिए मैंने लंच के लिए तोरी बनाई है, यहाँ मैं अपने हस्बैंड के लिए लंच पैक कर रही हूँ और ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। यहाँ मैंने दूध बॉयल करने के लिए रख दिया है, चाय बना ली है और लंच के लिए तोरी की सब्ज़ी बना दी है। अब टिफ़िन के लिए चपातियाँ बना लेती हूँ। ये देखिए अभी मैंने शावर नहीं लिया है और बिना शावर के कैसे लग रही हूँ, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, पर प्लीज़ माइंड मत करिएगा। और मैं चपातियाँ बना रही हूँ अभी। सुबह का टाइम इतना बिजी वाला होता है ना कि लगता है बस जल्दी जल्दी सुबह का टाइम खत्म करूँ, क्योंकि हस्बैंड को भी जाना है और बच्चों को भी जल्दी से ब्रेकफास्ट देना है। मैं जल्दी जल्दी यहाँ चपातियाँ बना लेती हूँ। ये जो पीछे से आपको साउंड सुनाई दे रहा है, ये बच्चों की टीचर बोल रही है, शौर्य की टीचर है, उसकी थिएटर क्लास चल रही है, इसलिए अभी मैं उसके साथ क्लास नहीं ले रही हूँ। अगर उसकी मैथ या इंग्लिश की क्लास होती तो अभी मैं उसके साथ बिजी होती उसको क्लास दिलाने के लिए, क्योंकि बच्चों को साथ के साथ समझाना भी पड़ता है, क्योंकि शौर्य बहुत छोटा है अभी। ब्रेकफास्ट के लिए पूड़ियाँ बनाऊंगी, क्योंकि रात को मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, वो बची हुई है, तो बच्चों ने कहा कि पूड़ियाँ बना दो मम्मी, हमें आलू पूड़ी खानी है। तो मैं वहाँ यहाँ पे वही पूड़ियों के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैंने इसमें फ्राई पैन में ऑयल डाल दिया है, पूड़ियाँ कर ली। हस्बैंड मेरे नाश्ता कर रहे हैं, उनको मैंने डाल दिया है। आपको जैसे कि मैंने बताया कि वो कैमरे के सामने आने में ज़्यादा कंफर्ट नहीं होते, तो मैं उनको कैमरे में लेती भी नहीं हूँ वीडियो के अंदर। कभी कभार उनका मन करेगा तो वो अपने आप आ जाएंगे, अदरवाइज़ मैं उनको फोर्स नहीं करती हूँ। तो वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मैंने उनको दे दिया है नाश्ता। सब्ज़ी मैंने गर्म कर ली थी आलू की जो थी, और पूड़ियाँ थी और चाय थी उसके साथ में, और बच्चे मिल्क लेंगे। तो ये देखिए मैंने एक के बाद एक पूड़ियाँ निकाल दी हैं, यहाँ बच्चों को भी दे दिया है, पूर्णिमा को दे दिया है, शौर्य खा रहा है और वो भी नाश्ता कर रहे हैं। पूर्णिमा प्लेट गिरेगी। ढंग से करो शौर्य। पूर्णिमा और आप देख रहे हैं शौर्य की मस्ती चल रही है, ये अलग अलग तरीके के फेस बनाता रहता है, ये बहुत नॉटी है दोस्तों। अब मैं भी अपनी चाय ले लेती हूँ और आपको मैं मिलूंगी बाद में शावर के बाद। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगप्रिय सिंपलिसिटी। फ्रेंड, आपसे बहुत सारी बातें करनी होती है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता मैं आपसे क्या बातें करूं और किस तरीके से शुरू करूं। पता नहीं आपको मेरी बातें पसंद आएगी या नहीं पसंद आएगी, क्योंकि आप सभी के जैसे ही मेरी लाइफ है। मैं भी सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ, बच्चों के साथ ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, आप सभी ऐसे ही करते होंगे। अपना बच्चों का नाश्ता बनाती हूँ, ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, हस्बैंड के लिए बनाती हूँ और खुद भी करती हूँ, और उनका टिफ़िन भी पैक करती हूँ। तो सुबह की लाइफ तो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है, और सुबह मेरे लिए वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं वीडियो शूट करूँ और घर का सारा काम।
और एक लेडीज से अच्छी तरह कोई नहीं जान सकता कि घर का कितना सारा काम होता है और उसे सुबह सुबह मैनेज करना, मतलब सुबह की जो लाइफ होती है ना वो एकदम दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा वाली रहती है कि जल्दी जल्दी ये काम भी कर लो वो काम भी कर लो, और उन सब में हम लोग अपने अपने लिए एक कप चाय पीने का तक भी टाइम नहीं निकाल पाते, बहुत मुश्किल से निकल पाता है, लेकिन निकालना पड़ता है अपने लिए भी टाइम। तो जो सुबह की भाग दौड़ वाली लाइफ के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी कि जैसे मेरी लाइफ रहती है कि मैं सुबह उठती हूँ, फिर बच्चों के साथ ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, अपना जो डेली का रूटीन काम होता है झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट बनाती हूँ अपने हस्बैंड के लिए, ब्रेकफास्ट बनाती हूँ बच्चों के लिए बनाती हूँ, एंड उनका टिफ़िन भी पैक करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, वो अपने ऑफिस जाते हैं तो मुझे उनके लिए टिफ़िन भी पैक करना पड़ता है। टिफ़िन पैक करके वो चले जाते हैं। अभी उनके हाथ का जो प्लास्टर है वो निकल चुका है, लेकिन स्टिल डॉक्टर ने अभी उनको हैंड्स की मूवमेंट करने के लिए मना करा है और अपने हाथ पे उनको वो जो गर्म पट्टी होती है ना वो बांधने के लिए बोला है और हाथ की सिकाई करने के लिए बोला है। तो जो नर्व्स ब्लॉक हो जाती है ना एकदम जैसे थोड़ी टाइट टाइट हो जाती है जब प्लास्टर होता है तो आपके, क्योंकि मूवमेंट तो आपकी होती नहीं है प्लास्टर से, आपका वो चीज़ जगह मूव तो नहीं कर पाती है, ऐसे ही मेरे हस्बैंड की हो गई है। तो अभी उसको बिल्कुल ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो ऑफिस जाते हैं तो इसलिए मैंने अपना जो एक छोटा सा रूटीन है सुबह का, मैंने उस समय बाथ भी नहीं लिया था, मतलब शावर नहीं लिया था, और अब जाके मैंने शावर लिया। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और मैंने अभी थोड़ी देर पहले शावर लिया और हमने लंच ख़त्म किया है। तो लंच में जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने आज तोरी की सब्ज़ी बनाई थी, चपाती थी और राइस थी, तो वही हमने आज लंच में खाया है। तो सुबह की मैंने छोटी सी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करी है, आपको मतलब पता चलेगा कि कैसे मैं अपने सुबह की रूटीन जो सुबह थोड़ा बहुत जो काम है वो करती हूँ, तो आपको उस क्लिप से पता चलेगा। और मैंने आज की वीडियो में ना आपके साथ ढाबा स्टाइल चाप रेसिपी शेयर करूँगी क्योंकि मैं बनाती हूँ और मेरे हाथ की बहुत अच्छी बनती है, ये सभी लोग कहते हैं मेरे घर के, और जो मैं स्कूल जाती थी ना वहाँ पे जो टीचरें भी थी वो भी कहती थी कि मैम आपके हाथ की जो चाप की, वैसे तो ऑलमोस्ट सभी सब्जियों के लिए बोलते हैं लेकिन चाप बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो जो आप जब हाईवे पे जाते हो तो हाईवे पे ढाबे पड़ते हैं ना, ढाबे का खाना मुझे बहुत पसंद है, आई होप आप सब लोगों को भी बहुत पसंद होता होगा क्योंकि ढाबे का खाना टेस्टी होता है, तो इसलिए आप लोगों को भी बहुत पसंद होगा। तो मैंने उसी स्टाइल में उन्हीं के मेथड को फॉलो करते हुए मैं अपने चाप की रेसिपी बनाती हूँ, वही मैंने आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करी है, वो ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगी, आप ज़रूर बना के देखिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसी बनी है और कितनी आपको पसंद आई है, आपके घर वालों को कितनी पसंद आई है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट नहीं करते हो, मुझे आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है आपके अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ने का। और अगर आपको मेरा ये वीडियो जो छोटा सा वीडियो है पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को ताकि मैं भी आगे जा सकूँ इस यूट्यूब की जर्नी में। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से मैंने ढाबा स्टाइल चाप बनाई है, तो चलिए देखते हैं। हेलो आई एम बैक, आज हम डिनर में बनाने वाले हैं सोया चाप, ये देखिए सोया चाप, ठीक है आज हम डिनर में इसको बनाने वाले हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगती है, मुझे और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो इसके लिए इसको सबसे पहले थोड़ा सा बॉईल करना पड़ेगा, तो मैंने वहाँ पे कढ़ाई में पानी रख दिया है, ये देखिए। अब जब पानी बॉईल हो जाएगा तो हम इसमें चाप को डालेंगे। हमारे पानी में बॉईल हो गया, ये देखिए इस तरीके की है, इसे हम पहले एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। जब पानी हमारा बॉईल हो जाएगा तो हम इसमें इसको डालेंगे और आज हम इसे बनाएंगे बिल्कुल ढाबा स्टाइल, जब हाईवे पे जाते हैं तो वहाँ ढाबों पे मिलती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से आज हम बनाएंगे। इसे सारी डाल दिया और यहाँ मैंने तैयारी कर ली है, ये देखिए मैंने यहाँ पे ये टमाटो काट के रखे हैं, ये 2 बड़े साइज के टमाटर हैं जिन्हें मैंने ऐसे दरदरा काटा है और ये 2 प्याज है जिन्हें मैंने ऐसे चॉप किया है, ये देखिए बारीक चॉप किया है, धनिया भी मैंने काट के रख लिया है फ्रेश धनिया, ये देखिए हमारी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। यहाँ पे मैंने इन्हें छन्नी पे छान लिया है, इनका सारा पानी निकल जाएगा ऐसे, ये हमने बॉइल कर लिया, अब हम इनको करेंगे शैलो फ्राई, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं पर मैं यहाँ शैलो फ्राई कर रही हूँ। हम मस्टर्ड ऑयल का यूज करते हैं,
चढ़ा देंगे राइस के लिए। राइस मैंने धो लिए हैं और धो के वॉश कर लिया है। वैसे दिन रात ये सोचना कितना मुश्किल हो जाता है ना कि सुबह क्या बनाए और शाम को क्या बनाए। बस सुबह का खत्म होता नहीं है कि शाम का शुरू हो जाता है क्या बनाना है, और शाम का खत्म नहीं होता है तो सुबह का शुरू हो जाता है कि क्या बनाना है। हम लेडीजों की जिंदगी तो ऐसे ही निकल जाती है। तो ये देखिए यहाँ हमारा ऑयल गर्म हो गया है और साइड ये देखिए गर्म हो गया और साइड में मैंने कढ़ाई रख दी है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा रिफाइंड, बिल्कुल जरा सा। देखिए मैंने बिल्कुल जरा सा इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है। मस्टर्ड ऑयल मेरा गर्म हो गया है। इसमें हम एक एक करके ये हमारी ये डालेंगे चाप। ज़्यादा चाप एक साथ फ्राई नहीं करनी है, एक बार में जितनी आ जाए चार या पांच उतनी ही एक बार में चाप फ्राई करनी है शैलो फ्राई। यहाँ हमारे राइस हम डालेंगे इसमें। हमारी सारी चाप हमने इस तरीके से सेलो फ्राई कर ली है ये देखिए, और उसी कढ़ाई में हमने थोड़ा सा ऑयल और डाला है मस्टर्ड ऑयल। अब देखिए एक बार हम अपने राइस चेक कर लेते हैं कि हमारे राइस बन रहे हैं साइड वाली गैस पे, और ये हमने गैस कम कर दिया। अब जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम अपने चाप बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे ढाबा स्टाइल। हमारा ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें हम एक छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, फिर आधी छोटी चम्मच हींग। जीरा चटकने देंगे, उसके बाद में डालेंगे प्याज चॉप किए हुए। प्याज को अच्छे से मिला लेंगे और इसे ब्राउन होने देंगे। अब एक बार ही हम अपने राइस चेक कर लेते हैं बन गए या नहीं बने। ये देखिए आप ये राइस में ये देख रहे हैं छोटे छोटे से ये गड्ढे बन गए हैं, इसका मतलब है कि हमारे राइस पक गए हैं और हमारा एक एक राइस का दाना खिला खिला बना है। ये देखिए राइस हमारे बन गए हैं और मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है राइस वाली। अब हमारे प्याज थोड़े से भुन गए हैं तो हम इसमें दो छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। आपको जैसा कि पता ही है मैं अदरक लहसुन का पेस्ट पीस के रखती हूँ और ये ख़राब नहीं होता है मेरा काफ़ी दिनों तक। जो मार्केट में अदरक लहसुन का पेस्ट मिलता है बना हुआ वो मुझे पसंद नहीं है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। मैं अपने हाथ से पीस के ही अदरक लहसुन का पेस्ट बनाती हूँ, उसे सब्जी में आपकी जो भी सब्जी बनाते हैं उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज को अच्छे से भून लूँगी। आप चाहे तो चाप को स्टिक के साथ भी बना सकते हैं, पर मैं यहाँ स्टिक को रिमूव कर देती हूँ, इससे इसको बनाने का प्रोसेस ईजी हो जाता है और इसको दो पीस में कट भी कर सकते हैं आप। यहाँ हमारा प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भून गया है, देखिए हल्का हल्का ब्राउन कलर भी आने लगा है। देखिए हमारा प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से ब्राउन हो गया है, यानी कि अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने डाली इसमें 1.5 चम्मच कश्मीरी रेड चिली, इससे अच्छा कलर भी आता है और ये स्पाइसी नहीं होती है। फिर डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, फिर डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला। ये गरम मसाला मैं घर में पीसती हूँ, इसमें मैं सभी खड़े मसालों का प्रयोग करती हूँ, इसलिए मुझे खड़े मसाले डालने की यानी कि साबुत मसाले डालने की कम ज़रूरत पड़ती है। पिसा हुआ धनिया हम 3 चम्मच डालेंगे और ये भी मैं घर में ही पीसती हूँ। 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चाप मसाला। इसमें हमने अपने सभी मसाले डाल दिए हैं, अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और तेल छोड़ने तक अपने इन मसालों को पकाएंगे। और मसाले हमारे अच्छे से फूले इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इस स्टेज पर हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। अब हम इसमें भर कर 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट के डालेंगे, यानी कि नारियल का बुरादा। ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल होता है, ये हमारी जो ग्रेवी है उसको थिक बनाएगा। अब यहाँ मैं 1 चम्मच भर के इसमें टमाटो केचप डालूंगी। यहाँ मैं जो भी इंग्रेडिएंट्स आपको बता रही हूँ ये ढाबे वाले बिल्कुल यही यूज़ करते हैं, इसलिए उनकी सब्ज़ी इतनी अच्छी और इतनी टेस्टी बनती है। टमाटो केचप से हमारी सब्ज़ी मीठी नहीं बनेगी बल्कि इसको एक अच्छा सा टेक्स्चर मिलेगा और बहुत ही यम्मी बनेगी। थोड़ा सा पानी डालकर इसमें डाल दिया है हमने, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लुक एट द टेक्स्चर, ये देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। ये देखिए हमारे मसाले ने ऑयल छोड़ दिया, ये देखिए साइड में। अब हम इसमें टमाटो डालेंगे जिसमें मैंने 2 छोटी हरी मिर्ची काट के डाली हुई है। अब इसमें हम टमाटर के साथ इसको अच्छे से भूनेंगे हमारे मसाले को। हमें मसाले को बहुत ही अच्छे से भूनना है, हम जितना अच्छा हमारा मसाला भूनेंगे उतनी अच्छी हमारी सब्ज़ी बनेगी। अब इसमें हम 1/2 पैकेट अमूल की क्रीम का डालेंगे, इससे हमारी सब्ज़ी को एक यमी टेक्सचर मिलेगा।
अब इस स्टेज पे हम थोड़ा सा हरा धनिया और ऐड कर देंगे। देखिए हरा धनिया हमें 2 से 3 बार पूरी सब्जी में ऐड करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे ढककर साइड में रख देंगे कम से कम 7 से 10 मिनट के लिए, ताकि हमारे मसाले अच्छे से फूल जाए और एक सार हो जाए। हमारे मसाले रखे हुए हमें तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ये देखिए तकरीबन 10 मिनट के बाद में हमारे सब्जी ने एकदम ऑयल छोड़ दिया है और ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है। अब हम इसमें चाप ऐड करेंगे। तो चाप के 2 पीस कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे ढाबों पे मिलती है ना, होटलों में मिलती है, बड़े बड़े होटलों में ये बिल्कुल वैसी बनेगी। चाप डालने के बाद में इसे अच्छे से मसाले में मिला लेंगे, ताकि एक एक चाप में अच्छे से मसाला लग जाए। अब इसमें 1 चम्मच भरकर हम मिल्क डालेंगे ग्रेवी के लिए। जितनी ग्रेवी आपको चाहिए, ये ज़्यादा पतली नहीं बनती है, थोड़ी ठीक ही बनती है, तो आप वैसे ही रखेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे तेज आंच पर थोड़ी देर पकने देंगे, ताकि चाप के अंदर मसाले अच्छे से रम जाए। और इसे 10 मिनट के लिए या 7 मिनट के लिए ढककर एक तरफ रख देंगे और उसके बाद देखिए सब्जी को रखिए। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। लुक एट द टेक्सचर, वाओ कितनी यम्मी लग रही है ना। ये देखिए कलर भी आ गया, ऑयल भी छोड़ दिया है। अब बन चुकी है हमारी ढाबा स्टाइल चाप। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। चावल हम पहले ही बना चुके हैं, चपातियाँ मैंने बना ली हैं, अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए राइस एक एक दाना खिला हुआ है। बनाते बनाते मेरा वीडियो देखते देखते ज़रूर आपके मुंह में पानी आ गया होगा। तो आप ज़रूर एक बार इस वीडियो को और सर इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। और इसको चपाती पराठे राइस किसी के भी साथ खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगती है। और या अगर आपके घर में कोई गेस्ट आया हो या कोई स्पेशल गेस्ट हो उसके लिए भी आप बना सकते हैं। ये मेरा एक डिनर रूटीन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है और आप लोगों को भी पसंद होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई अगर आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को ज़रूर क्लिक करना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके और आप मेरे सारे वीडियो देख सकें। ओके फ्रेंड, बाय बाय।